जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी हम हैं जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों आज हम जर्नी करने वाले हैं गाजीपुर बांद्रा टर्मिनल सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, और आज हमारी जर्नी होने वाली है 3 टायर एसी में। इकली ट्रेन है, हफ्ते के 2 दिन चलती है, रविवार और मंगलवार को। तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वैसे ये ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा। ब्लॉग में बने रहिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए अपने भाई को। बात की जाए इस ट्रेन के कोचेस की, तो इस ट्रेन में टोटल 4 तरह के कोचेस लगे होते हैं। फर्स्ट एसी के 1 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच और थर्ड एसी के टोटल 6 कोचेस लगे होते हैं, और स्लीपर के 8 कोचेस। और बात की जाए चालू डिब्बे की, तो वो 2 कोचेस लगे होते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ट्रेन गाजीपुर सिटी से बन के चलती है रात के 7:30 बजे, और तीसरे दिन सुबह के 7:30 बजे ये ट्रेन पहुँचती है बांद्रा टर्मिनस। और हम कवर करेंगे टोटल 7 स्टेशन, 8वां स्टेशन हमारा पड़ेगा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं ट्रेन का अराइवल। और अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, 5 मिनट में हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ जाएगी। पाँच मिनट स्टॉप है जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का। और हमारी ट्रेन में लगा हुआ है WAP-7 का लोकोमोटिव। और ये देखिए, चालू का हाल। दोस्तों स्लीपर तो काफी सही है अभी। ये गर्मा गर्म खाना बोले, वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी। चलिए तब तक रिव्यू दे देते हैं। कांच काफ़ी साफ़ तो नहीं है, बेसिन तो अभी ठीक है, सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, पाछा पानी आ रहा है। बस अभी 2 घंटे हुए ट्रेन चल के। एक और चीज़ देखा मैंने अभी, इस ट्रेन में रेल नेट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। काफ़ी सारे पैसेंजर्स सो गए हैं, इसलिए अंदर लॉक सूट करना काफ़ी मुश्किल होगा हमारे लिए। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है गंगा सतलज एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन आधे घंटे लेट हो चुकी है। चलिए फाइनली डिपार्चर हो गया है, और पूरे 40 मिनट के बाद डिपार्चर हुआ है हमारी ट्रेन का। सीट खाली है अभी। सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, और ये है हमारा पहला स्टॉप मड़ियाहूँ। काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड किए हैं, आप भीड़ देख के समझ ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा पैसेंजर्स यहाँ पे बोर्ड किए होंगे। चलिए फाइनली हमारी ट्रेन को यहाँ से मिल चुका है डिपार्चर, और अब हम मिलेंगे आपसे कल सुबह इटावा जंक्शन में, क्योंकि रात को आएगा प्रयागराज, सॉरी रात अब अगला स्टेशन आएगा जंघई प्रयागराज, फिर हम मिलेंगे आपसे कल सुबह इटावा जंक्शन में। कहो यही उतर बका तू, उधर जा यार। चलिए अब जाते हैं सोते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। रात के 2:30 बज रहे हैं, और अभी हमने क्रॉस किया है प्रयागराज जंक्शन। हमारी ट्रेन करीब 2 घंटे लेट है, और हम जगह इसलिए हुए हैं क्योंकि अभी आगे टिकट चेक हुआ है। रेलवे का कोई नया नियम आया है क्या कि रात के 2 बजे भी आपका टिकट चेक हो सकता है? ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। The next morning. Good morning guys. अभी हम पहुंच चुके हैं इटावा, और यहाँ हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है।
काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है। गुड मॉर्निंग गाइस, जस्ट गेट खुला तो पता चला हम इटावा पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमने इटावा का आप लोगों को व्यू दिखाया। इटावा हमारा पांचवा स्टॉप है, उसके बाद एक और स्टेशन आएगा, फिर एक और वो आएगा आगरा का। सुबह 4 बजे हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट थी, फिलहाल अभी 45 मिनट लेट है। हम देखते हैं कि वो कवर करती है या नहीं। जैसे तो फिलहाल हम इटावा से निकल चुके हैं और हमारी ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर। अभी हमारा अगला स्टॉप आने वाला है समसाबाग, उसके पहले ये कर्व देखिए। ऐसा फील आ रहा है ना कि कसारा के घाटों से गुजर रहा हूँ। पूरा गोभी का खेती हुआ है। जितना दूर आप लोगों का नज़र जाएगा ना, सिर्फ आपको गोभी ही गोभी दिखेगा। इटावा से शमशाबाद सिंगल रूट है, तो ना कोई क्रॉसिंग देखने को मिला, ना ही इंटर रेलवे का। ये देखिए, मतलब करीब 10 मिनट से हम लगातार देख रहे हैं, गोभी ही दिख रहा है। और अब हम पहुंचने वाले हैं शमशाबाद। हाँ, तो प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं ना। ये है हमारा छठवां स्टॉप शमशाबाद, और चाय की चुस्की के साथ हम पहुंच चुके हैं शमशाबाद रेलवे स्टेशन पे। बहुत ही छोटा सा स्टेशन है और यहाँ स्टेशन का स्टॉप है 5 मिनट का। फिर अगला स्टॉप आएगा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, वो होगा हमारा लास्ट स्टेशन। ये है मेन शमशाबाद टाउन, काफ़ी छोटा स्टेशन है। बहुत पाँच सौ 83 किलोमीटर की जर्नी हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। बाय। और बात की जाए गाजीपुर सिटी बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, तो ट्रेन का कोच काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। और उसके बाद सफाई वगैरह जब से मैंने बोर्ड किया था
एक बार हुआ था। इसे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रेन नहीं है अगर आपको मुंबई जाना है जौनपुर से या गाजीपुर से। तो चलिए पहले चलते कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को भी घुमाते हैं, थोड़ा आगरा एक्सप्लोर करते हैं।